हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग एनडीए और सीडीएस के लिए खासकर फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें करंट और वोल्टेज का थोड़ा सा फंडा है। ठीक है, अच्छा करंट और वोल्टेज, ठीक है दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, करंट एंड वोल्टेज। अच्छा, आप लोगों ने बेटा डेफिनेशन ये बचपन से पढ़ी होगी, सेवन्थ एट से, दैट द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इज द बेसिक यूनिट। ठीक है, मैं एकदम डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको चार्ज नहीं बता रहा हूँ क्या होता है, बट आई एम सेइंग दैट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ठीक है, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो क्या है, करंट है। अच्छा, दूसरी चीज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, अगर चार्ज कहीं पर इकट्ठा है, ठीक है, अगर चार्ज कहीं पर इकट्ठा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। इसका मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, सपोज अगर कोई कहीं पर हाईवे है और वहाँ पर अगर नॉर्मली गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर फ्लो अच्छा है गाड़ियों का तो उस गाड़ियों के फ्लो को मैं क्या बोलूँगा, करंट बोलूँगा। और अगर कहीं पर सिग्नल है, कहीं पर रेड लाइट है, तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठा हो जाएंगी, तो गाड़ियाँ इकट्ठा होने को मैं क्या बोलूँगा, वोल्टेज बोलूँगा। इसका एक और मैं आपको एक नेचुरल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करो। ठीक है, आपने देखा होगा घर पे हमारे पानी का टैंक होता है जो हमारे टेरेस में या छत में इंस्टॉल रहता है। अच्छा, हमेशा याद रखना बेटा, टैंक में पानी इकट्ठा रहता है तो एक्यूमुलेशन ऑफ पानी है वहाँ पर, तो उस एक्यूमुलेशन ऑफ पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज। और जब वो नलों से बहेगा वो पानी, उसको हम बोलेंगे करंट। अच्छा, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ यहाँ पर मैं एक पॉइंट जरूर लिखाऊंगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल का क्या मतलब है। अच्छा, पानी कैसे फ्लो करता है, हम लोग टैंक को हमेशा छत में रखते हैं ना बेटा, अगर हम टैंक को सपोज ग्राउंड फ्लोर में रखें तो पानी ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो, फॉर एग्जांपल मोटर एंड ऑल, ठीक है, तो हम लोग पानी को हमेशा कहाँ रखते हैं, पानी के टैंक को छत में रखते हैं, तो वहाँ से इजिली वो हर फ्लोर्स तक पहुँच जाता है। तो पानी कहाँ से मूव कर रहा है बेटा, पानी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, झरने कैसे मूव करते हैं ना, हाइट से लो ऑल्टीट्यूड की तरफ झरने, उसी तरीके से। तो हम लोग सिंपल भाषा में क्या समझेंगे, जहाँ पर पानी इकट्ठा है वो वोल्टेज है, और जहाँ पानी बह रहा है वो करंट है। ठीक है, वेरी सिंपल, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इज वोल्टेज, जहां पर चार्ज इकट्ठा है वो वोल्टेज है, और जहां पर चार्ज बह रहा है वो करंट है। अच्छा, लेकिन चार्ज बहेगा कैसे, चार्ज बहेगा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल का मतलब क्या है, जहां पर चार्ज ज्यादा है वहां से चार्ज कहां की तरफ जाएगा, जहां पर चार्ज नहीं है, तो जहां पर चार्ज ज्यादा है उसको मैं बोलूंगा हाई पोटेंशियल, और जहां पर चार्ज कम है उसको मैं बोलूंगा लो पोटेंशियल। तो एक पॉइंट लिखते हैं पहले हम, ठीक है, एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं, एक नोट, दैट करंट, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल मतलब जहां वोल्टेज ज्यादा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ओके, इसीलिए आपने देखा होगा जो थंडर एंड लाइटनिंग का जो कंसेप्ट है फिजिक्स में, आपने पढ़ा होगा, बिजली जब बादलों से बनती है, जब निकलती है, तो बिजली कहाँ आती है, ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड में कैसा पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल बेटा, और जहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है बादलों में, वहां पर कैसा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, इसलिए बिजली हमेशा जमीन में गिरती है, क्योंकि जमीन को हम लोग ग्राउंड मानते हैं, ग्राउंड मतलब लो पोटेंशियल, यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, और बादलों में हाई पोटेंशियल, वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट है, तो हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, दिस यू शुड नो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके लिए, यहां पर एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, सपोज यहां पर अगर 5 वोल्ट्स की वोल्टेज है, 5V आई रिटन, ठीक है, और यहां पर सपोज अगर 3 वोल्ट्स है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम 5 वोल्ट्स टू 3 वोल्ट्स, ना दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट विल फ्लो, ठीक है, मैं स्मॉल आई से करंट को रिप्रेजेंट करूंगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम 5 वोल्ट्स टू 3 वोल्ट्स, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट,
चलो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल अप्रोच करना है। तो करंट और वोल्टेज में सबसे पहले ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि फ्लो ऑफ चार्ज की बात करूँ तो दैट इज करंट, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज की बात करूँ तो दैट इज वोल्टेज। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नाउ हाउ करंट फ्लोज इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स दैट वी हैव टू सी, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टर पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टर। रेजिस्टर इज नथिंग बट एन एलिमेंट विच ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ करंट ना। तो ये क्या करता है, ये करंट के पाथ को या करंट को रोकता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यू कैन सी। तो इसको हम लोग ऐसे इस साइन से ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ऐसे, ठीक है। सपोज अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बीच में रेजिस्टेंस है आर, ये जो रेजिस्टेंस है इस करंट के लिए, जो रुकावट है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, वोल्टेज। गेटिंग माई पॉइंट, द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, ठीक है। यहाँ पर तो फ्लो ठीक है, अच्छा है बेटा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये जो मैंने zigzag रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पर सपोज अगर यहाँ से गाड़ी कोई चल रही है तो ये zigzag पाथ है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ रुक जाएंगी, मतलब हल्के हल्के चलेंगी, तो यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा या वोल्टेज। तो मैं अभी प्लस माइनस करके वी लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो रजिस्टर क्या होता है, अगर मैं रजिस्टर की बात करूँ, रजिस्टर इज नथिंग बट एन एलिमेंट विच प्रोवाइड्स रजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट, ठीक है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है, ओके। उसके अलावा आपको एक ओम्स लॉ भी आना चाहिए। ओम्स लॉ इज नथिंग बट द वोल्टेज ना, ओम्स लॉ क्या होता है, यहां पर मैं आपको ओम्स लॉ भी बताता हूँ। ओम्स लॉ इज नथिंग बट द वोल्टेज विच इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब मैं जितना ज्यादा करंट दूंगा उतनी ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगी। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू आई आर इज नथिंग बट ओम्स लॉ, ठीक, ओके। सारे लीनियर एलिमेंट्स में ये आपका फॉर्मूला लगने वाला है। लीनियर एलिमेंट क्या होता है, लीनियर एलिमेंट का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हो, मतलब अगर वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी उसी रेट से बढ़ रहा है। अभी हम बाद में भी पढ़ेंगे कि लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू IR नथिंग बट ओम्स लॉ, बेटा ओम्स लॉ के बहुत सारे फॉर्म हैं, आगे आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे वो अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको V इक्वल टू RI या V इक्वल टू IR आना चाहिए। तो अगर आपको रेजिस्टेंस दिया है और आपको अगर करंट दिया है, यू कैन इजिली फाइंड वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस या अक्रॉस दैट रेजिस्टर। अगर आपको करंट दिया है और आपको वोल्टेज दिया है, तो आप रेजिस्टेंस इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा अब करंट कैसे फ्लो करता है ना, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं आपके, तो बेटा देयर आर टू कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब रेजिस्टर्स को मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देयर आर फ्यू कॉम्बिनेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर दो रेजिस्टर्स को मैं बैक टू बैक लगाऊं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, देयर आर टू रेजिस्टेंसेस, सपोज दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, ठीक है, और जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें स्मॉल आई इज फ्लोइंग, स्मॉल आई करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, टू रेजिस्टेंसेस आर बैक टू बैक, ठीक है। तो जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा आई, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, उसके बाद फिर वही सेम करंट इस आर टू रेजिस्टेंस में भी फ्लो करेगा, दैट सेम करंट आई, और यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V2 जनरेट होगा, और फिर यहाँ से भी I करंट जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर दो एलिमेंट से सेम करंट जा रहा है, तो उन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज, ये जो कॉम्बिनेशन था, ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो याद रखना, दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी देखना हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, आपसे कभी कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है, ठीक है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो अभी हम देखेंगे। उसके बाद हमें KCL एंड KVL भी करेंगे यहीं पर, और कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट NDA सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक एक दो दो क्वेश्चन आप हर साल देखोगे जो आपका बेस्ड ऑन दिस कॉम्पोनेंट्स एग्जाम में आते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट विल बी सेम, ठीक है, करंट इज सेम, आप देखना करंट इज सेम,
तो दोनों ही रेजिस्टर्स में सेम करंट जा रही है, दैट इज स्मॉल आई ना बेट, बट व्हाट इज डिफरेंट बेटा, वोल्टेजेस आर डिफरेंट। सी V1 और V2 अलग अलग वोल्टेजेस हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, वोल्टेजेस आर डिफरेंट, करंट इज सेम बट वोल्टेजेस आर डिफरेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूं, सपोज ये दो रेजिस्टेंस हैं, इनको अगर मैं इनका अगर एक रेजिस्टेंस मुझे बताना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट करके लिखूंगा मैं, दैट विल बी नथिंग बट R1 प्लस R2। अच्छा अगर n रेजिस्टेंसेस होते तो प्लस प्लस टू अप टू n रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ये, तो अगर सीरीज में मेरे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो मैं सिंपली इनको ऐड कर दूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर ऐसे मेरे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, अप टू RN सपोज, ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज RN, सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यू विल डायरेक्टली ऐड R1 प्लस R2 प्लस सो डैश टू RN। ठीक है, हाँ लेकिन याद रखना कि करंट विल बी सेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो आई करंट जाएगा वही आई करंट यहाँ से निकलेगा। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है अगर आपको बताना है कुछ एलिमेंट्स। अभी हम लोग कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स भी पढ़ेंगे जिसमें आपका कुछ यही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा, रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है, रेजिस्टर मिल सकता है, इंडक्टर मिल सकता है, कैपेसिटर मिल सकता है, तो उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में। ठीक है, तो आप लोग को एक फंडा ध्यान में रखना है कि अगर दो एलिमेंट से अगर करंट सेम जा रहा है तो वो एलिमेंट आपके सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इज R1 R2 और RN जितने भी ये रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इनसे सेम करंट जा रहा है। ठीक है, सेम करंट, वोल्टेजेस डिफरेंट होंगे, यहाँ पर वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पर वोल्टेज V2 होगा और यहाँ पर वोल्टेज VN होगा। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज नथिंग बट यू हैव टू ऐड ऑल द रेजिस्टेंसेस। ओके, हाँ बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस दैट करंट इज सेम एंड वोल्टेजेस आर डिफरेंट। ओके, अच्छा दूसरा जो कॉम्बिनेशन है मेरा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयर आर ओनली टू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इससे बाद वाले कॉम्बिनेशंस हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट NDA सीरीज के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाएगी, वोल्टेज सेम, तो मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, मैं एक पूरा नेटवर्क आपको बना के दिखाता हूँ, सपोज एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, इसमें मैं एक वोल्टेज सोर्स भी आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, सपोज ये कोई वोल्टेज सोर्स है, ऐसे हम लोग वोल्टेज सोर्स दिखाते हैं बेटा, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये मेरी वोल्टेज सोर्स है, सपोज ये 5 वोल्ट की एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर दो रेजिस्टर्स लगे हैं जिनके रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 हैं, तो करंट यहाँ से जो सोर्स करंट फ्लो करेगा दैट विल बी I, लेकिन जब वो करंट यहाँ से जाएगा तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर अलग, ऊपर जाएगा I1 और नीचे जाएगा सपोज I2। तो ये जो दोनों कॉम्पोनेंट्स है R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वाई पैरेलल, बिकॉज करंट्स आर डिफरेंट इन बोथ द एलिमेंट्स, हाँ लेकिन वोल्टेज विल रिमेन सेम, वोल्टेज क्या रहेगी बेटा, वोल्टेज विल रिमेन सेम, एंड व्हाट विल बी द वोल्टेज, वोल्टेज वही जो यहाँ पर सोर्स की है। ठीक है, दैट विल बी हियर, तो मैं अभी सिर्फ V लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा 5 वोल्ट, मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V होगा और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा, तो R1 एंड R2 कंपोनेंट्स में वोल्टेजेस विल रिमेन सेम। ऐसा कैसे होगा, अभी हम इनको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, यू विल कम टू नो। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि करंट्स आर डिफरेंट इन द एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन वोल्टेज इज सेम। ओके, वोल्टेज इज सेम। अच्छा, इक्विवेलेंट अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना तो हम ऐसे निकालते हैं, 1/R equivalent, इंपॉर्टेंट है बेटा, पैरेलल 1/R equivalent विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, इसको इफ आई टेक LCM एंड सॉल्व इट, इट विल कम R equivalent इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, टेक LCM, R1 प्लस R2 विल कम, ऊपर R1 प्लस R2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, फिर रेसिप्रोकल कर लेना, क्योंकि 1/R equivalent है, यू विल गेट दिस फॉर्मूला विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टू रेजिस्टर्स आर गिवन टू यू इन पैरेलल, जब दो दिए होंगे तो तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दिए होंगे पैरेलल में, 3, 2 या 2 से 4, तो आप दो दो करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एक फॉर्मूला और मैं आपको बताता हूँ, दैट इज नथिंग बट
सपोज अगर ऐसे पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, सपोज दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू एंड दिस इज आर थ्री एंड सपोज ये लास्ट वाला आर एन, ठीक है, ऐसे अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, सपोज दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री and this is Rn, so what will be my equivalent resistance? That will be 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus so dash to 1 upon Rn, ठीक है, 1 upon Rn, ठीक है. तो अगर बाय द वे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस भी अगर एग्जाम में देगा हो, मतलब दो से ज़्यादा, तो हम लोग दो दो करके सॉल्व करेंगे. और दो का फॉर्मूला क्या है? दो का फॉर्मूला है R1 into R2 upon R1 plus R2. ठीक है, so this you should know. This is important. ये R equivalent वाला. बहुत सारे दिए हैं तो हम दो दो करके बहुत easily solve कर लेंगे उन्हें. ठीक है, okay. So this much is clear. ठीक है, हमने क्या देखा? Components. हमने क्या देखा? सिर्फ अभी हमने resistor पढ़ा है. अभी हमने inductor और capacitor नहीं पढ़ा है. Resistor पढ़ा है. Resistor से आपके questions exam में आने वाले हैं. Majority. रेजिस्टर में भी हमने क्या पढ़ा है कि वो एक लीनियर एलिमेंट है, उसमें ओम्स लॉ लगता है, V इज इक्वल टू आई आर, जितनी वोल्टेज दूंगा उतनी ही करंट प्रोड्यूस होगी, या जितनी करंट जाएगी उतनी ही वोल्टेज जनरेट होगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं. उसके अलावा हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा इन एलिमेंट्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन देखा. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम इन द कॉम्पोनेंट्स एंड वोल्टेज विल बी डिफरेंट, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट बट वोल्टेजेस या वोल्टेज इज सेम. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो ये आप ध्यान में रखना. अब मैं आ रहा हूँ बेटा इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज में. अब आप बहुत इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझाऊंगा, दैट इज नथिंग बट केवीएल. ना केवीएल इज नथिंग बट किरचॉफ्स, इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है, वोल्टेज लॉ. अच्छा, अब आपको पता है वोल्टेजेस कहाँ डिफरेंट होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मैं कुछ ना कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन बनाऊंगा यहाँ पर. और एक केवीएल क्या होता है? केवीएल एक लॉ है जो हम लोग एक क्लोज्ड सर्किट में अप्लाई करते हैं ताकि वोल्टेजेस या करंट फाइंड आउट कर सकें. ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वोल्टेज करंट फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ आपको हेल्प करेगा केवीएल. ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. आई विल मेक वन वोल्टेज सोर्स. ठीक है, हम लोग वोल्टेज सोर्स ऐसे भी बनाते हैं बेटा, दिस इज एन एसी वोल्टेज सोर्स, तो हम ऐसे बनाते हैं. तो मैं अलग अलग सोर्सेज यूज करूंगा ताकि आपको आइडिया हो ना, अगर एग्जाम में कुछ ऐसा बना हुआ है तो आपको दिक्कत ना हो. दो रेजिस्टर्स लगा रहा हूं मैं बैक टू बैक इन सीरीज. ठीक है, हाँ चलो तीन लगा लेते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये एक मेरा सर्किट है. ठीक है, मैं ऊपर साइन दूंगा प्लस, ठीक है, और नीचे साइन दूंगा माइनस. ठीक है, तो मैं इसको अभी इरेज करके अभी प्लस माइनस का ही साइन आपको देता हूँ. ठीक है, ये मेरा प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि सोर्स वोल्टेज है तो उसको मैं Vs नाम दे रहा हूँ. ठीक है, अच्छा ये रेजिस्टर्स हैं तीन, जिनके रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 हैं, और वोल्टेजेस आपको पता है सीरीज में अलग अलग होती है. तो यहाँ पर V1 वोल्टेज है, प्लस माइनस ऐसे साइन करके, प्लस माइनस V2 है, प्लस माइनस V3 है. साइन का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को. ठीक है, अच्छा, जो करंट हमेशा निकलता है, याद रखना, वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो करंट हमेशा इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा. कुछ कन्वेंशन है जो आप ध्यान रखना. ठीक है, तो ये सपोज आई करंट निकल रहा है, सपोज कौन सा करंट निकल रहा है? आई करंट. तो आई करंट जिस कॉम्पोनेंट में एंटर करेगा, जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टर है R1, इस पर एंटर कर रहा है, तो जहां एंटर करता है वहां प्लस साइन लेते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना, कुछ कन्वेंशन ध्यान रखना, आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा. ठीक है, तो अगर करंट फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. तो ये जो वोल्टेज सोर्स है बेटा, वोल्टेज सोर्स प्लस साइन दिखाता है कि वो हाई पोटेंशियल है, और माइनस साइन दिखाता है कि वो लो पोटेंशियल है. आपने बैटरीज देखी होंगी, उसमें एक प्लस साइन होता है, एक माइनस साइन होता है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, करंट प्लस से कहां आता है? वापस फिर माइनस में, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. हमने वो पॉइंट ऑलरेडी देखा हुआ है, करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल. तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे जाएगा यहां से, और ऐसे घूम के ऐसे वापस आ जाएगा ना, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लूप बनाएगा. ठीक है, अच्छा केवीएल क्या कहता है? अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊं, केवीएल कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो. ना
अगर मैं सारी वोल्टेजेस का सम करूंगा एक क्लोज लूप में तो वो जीरो होगा। लेकिन केवीएल लगाते कैसे, मैं अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा। केवीएल कैसे लगाएंगे, आप हमेशा बेटा करंट के डायरेक्शन को फॉलो करना। करंट जहां एंटर कर रहा है जिस कंपोनेंट में जो साइन है वही साइन लेना। सपोज इस आई करंट को फॉलो करो आप, प्लीज फॉलो दिस करंट आई, करंट को फॉलो करो। करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। करंट जैसे इस रेजिस्टर में एंटर करेगा R1 पे तो जो भी साइन होगा वही साइन आएगा वहां पर वोल्टेज का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। तो मैं कैसे लूंगा ध्यान से देखना, ठीक है। फिर हम लोग डेफिनेशन में भी आते हैं। अच्छा, करंट इस R1 में एंटर कर रही है, तो जैसे R1 में एंटर कर रही है जो ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका, उसके प्लस साइन को पहले टच करेगी तो प्लस V1 आएगा, V1। अच्छा, फिर करंट I यहाँ से आगे जाएगी, करंट यहाँ से आगे जाएगी और इस R2 रजिस्टर में जाएगी और यहाँ पर कौन से साइन को हिट कर रही है, प्लस V2, ठीक है। तो वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है उसके प्लस, तो ये प्लस V2, ठीक है। एंड सिमिलरली प्लस V3 और फिर करंट क्या आएगी, फिर करंट यहाँ से वापस आएगी इस डायरेक्शन में और ऐसे क्लोज लूप में कहाँ जाएगी, ऊपर, और कौन से साइन को हिट करेगी, माइनस VS। VS भी तो वोल्टेज सोर्स है, इसको भी तो लेना जरूरी है, तो माइनस VS बेटा, माइनस VS। तो आपने एल्जेब्रिक सम कर लिया, साइन का प्लस माइनस का ध्यान देना आपने, तो इस ए कितना होगा, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका KVL है। साइन जो मैंने बताया है उसको जरूर फॉलो करना, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके बताते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैंने इस तरीके से सीखा था, मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसे सिखाया था, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसको फॉलो करो, ठीक है। आपने सिर्फ करंट का देखना है कि करंट कहाँ से एंटर कर रही है उस वक्त, उसमें उस कंपोनेंट में क्या साइन है, बस, ठीक है। दिस इज योर KVL, ये KVL लग गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। KVL स्टेट्स दैट, KVL स्टेट्स दैट that the algebraic sum of voltages in a closed loop is zero. The algebraic sum of voltages in a closed loop is zero, ठीक है। तो ये KVL अभी हम लगाएंगे बहुत सारे networks में। अच्छा, इसी तरीके से KCL है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं KCL, ओके? अब हम पढ़ते हैं KCL। अच्छा, KCL stands for Kirchhoff's current law, ठीक है। तो Kirchhoff's current law में क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। बाय द वे याद रखना, जहाँ पर भी करंट मीट करती है ना, बहुत अलग अलग अगर ब्रांचेस से करंट आ रही है, सपोज यहाँ से करंट ऐसे आ रही है और एक ऊपर से आ रही है ना, ऐसी बहुत सारी करंट्स आ रही हैं, ठीक है, थीके? मैं अलग अलग नाम दूंगा। और ये जो जहाँ पर जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, बीच का पॉइंट है, इसको हम लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम लोग नोड बोलते हैं, नोड, ठीक है। तो अलग अलग करंट्स हैं, सपोज यहाँ पर एक करंट आ रही है विच इज़ I1, ठीक है, और यहाँ से अंदर की तरफ आ रही है, दिस इज I2। अच्छा, बाहर की तरफ भी आ सकती है, बाहर की तरफ आ रही है तो इसको मैं I3 ले लेता हूँ। सपोज यहाँ से भी बाहर की तरफ आ रही है तो I4, यहाँ से अंदर की तरफ आ रही है तो I5, यहाँ से भी अंदर की तरफ आ रही है तो I6, यहाँ से भी अंदर की तरफ आ रही है तो I7। सपोज मेरी 7, ठीक है, और एक और है, एक और, दिस इज वन मोर। सपोज ये बाहर की तरफ जा रही है तो I8। बेटा आपने I8, आपने साइन पे ध्यान देना है, ठीक है। साइन पे कैसे ध्यान दोगे आप, डायरेक्शन से, ठीक है। आपने देखना है करंट अगर टुवर्ड्स द नोड आ रही है तो यू विल टेक पॉजिटिव साइन, टुवर्ड्स द नोड। नोड क्या है, नोड एक 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 पॉइंट है जहां पर बहुत सारी करंट्स मिलती हैं, ठीक है, थीके? तो टुवर्ड्स द नोड आ रही है तो यू विल टेक पॉजिटिव साइन ऑफ करंट, और अगर अवे फ्रॉम द नोड अगर करंट जा रही है तो यू विल टेक नेगेटिव साइन ना? और KCL क्या कहता है, ये भी यही कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ नोड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मैं कैसे लूंगा, मैं I1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, I1 कहाँ आ रही है, नोड की तरफ आ रही है, तो आई विल टेक पॉजिटिव, I1 विल बी पॉजिटिव, प्लस I2 विल बी ऑल्सो पॉजिटिव क्योंकि नोड की तरफ जा रही है, I3 विल बी नेगेटिव, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, प्लस फिर माइनस I3, ऐसे भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं हाँ, आई एम यूजिंग ब्रैकेट, फिर क्योंकि मैं सम, क्योंकि मैंने क्या बोला है, एल्जेब्रिक सम,
ठीक है, लेकिन फिर प्लस माइनस बाद में माइनस रहेगा, देन प्लस आई फोर इज ऑल्सो गोइंग अवे, तो प्लस माइनस आई फोर, प्लस आई फाइव टूवर्ड्स द नोड, तो प्लस आई फाइव, आई सिक्स टूवर्ड्स द नोड, सो प्लस आई सिक्स, आई सेवन अगेन टूवर्ड्स, सो प्लस आई सेवन, आई एट अवे फ्रॉम द, ठीक है, सो प्लस इन ब्रैकेट माइनस आई एट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो दिस इज KCL, ठीक है, तो इसमें इसको अगर मैं करूँगा तो ऐसे ऐसे लिखूंगा, देन फाइनली आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स प्लस आई सेवन माइनस आई एट इज इक्वल टू जीरो, वेरी इजी. सो व्हाट विल बी माय डेफिनेशन, व्हाट विल बी माय डेफिनेशन, दैट इट स्टेट्स, KCL स्टेट्स दैट दैट the algebraic sum, the algebraic sum of currents at a node is zero, at a node is zero, ठीक है, तो मैंने आपको एक example भी दिखा दिया है कि कैसे हम लोग करंट्स को लेंगे. आपको बेटा डायरेक्शन का याद रखना है, अगर वो डायरेक्शन टुवर्ड्स नोड, अगर टुवर्ड्स नोड है तो विल टेक पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द नोड विल टेक नेगेटिव, थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. तो वी हैव डन विद KVL एंड KCL, ये बड़ा अभी काम आने वाला है, आपको भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. उसके अलावा डायरेक्टली यू हैव फार्मूलाज टू फाइंड करंट एंड वोल्टेजेस, ठीक है, एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे मैं करंट और वोल्टेज फाइंड कर सकता हूँ इन एनी गिवन सर्किट, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस पर भी बताऊंगा जो बेसिक्स मैंने आपको बताया. तो व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे, हम लोगों ने प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जाना है करंट और वोल्टेज का, that accumulation of charge is known as voltage and the flow of that charge is known as current and current always flows from high potential to low potential, hamesha jahan potential high rahega current wahan se low potential ki taraf hi flow karta hai, agar nahi hoga to current flow nahi karega, theek hai, isliye jab thunder and lightning mein bhi humne ek example dekha tha, badalon mein potential high hai, zameen mein potential low hai, to bijli hamesha upar se niche hi girti hai. uske baad hum logon ne kuch elements dekhe like resistor एंड उसका कॉम्बिनेशन देखा सीरीज और पैरेलल, ठीक है, और उसके बाद हमने KVL एंड KCL देखा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए NDA और CDA स्टूडेंट्स के लिए. कुछ क्वेश्चंस करूंगा मैं आपके प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, तो बेटा आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं. आप कुछ चेंजेस चाहते हो इन वीडियोस में तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट, ठीक है. कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आपके वीडियोस बहुत बड़े हो रहे हैं, आप इनको पार्ट्स में करिए, बेटा ज़रूर, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि एक फ्लो में हो जाए, एक गो में हो जाए. टेंसेज वाला जो मेरा लेक्चर था, बच्चों ने लिखा था कि उसको आप पार्ट्स में करिए, वो मैंने पार्ट्स में इसलिए नहीं करा बेटा, मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो हो उसमें सारे टेंसेज कवर हो जाएं, इवन एक्टिव पैसिव, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो मैं चाहता हूँ बच्चे थोड़ा सा यू शुड हैव पेशेंस, आप देखो एक घंटा वो वीडियो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ओके. तो मैं देखूंगा, नहीं तो मैं अगली बार से कुछ छोटे छोटे वीडियोस आपको पार्ट्स में भी दूंगा, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स.